हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी रेसिपीज को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। बट व्यूअर्स, प्लीज प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज लाने को। व्यूअर्स, मैंने सोचा कि अभी वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे है, हम सबकी छुट्टियां होंगी, तो क्यों ना एक ऐसी ब्रेकफास्ट की डिश लेके आया जाए जो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी एंजॉय कर सकें। तो व्यूअर्स, आज मैं लेके आया हूं अपना होममेड चिकन सैंडविच। जी हाँ, हम इस चिकन सैंडविच को घर पे बनाएंगे और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको फॉलो करिए, आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। इसके लिए व्यूअर्स, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है, मैंने बोनलेस चिकन लिया है करीब 500 से 600 ग्राम। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपको कितना चाहिए। उसके साथ ही मैंने लिया है एक बारीक कटी हुई प्याज और एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ ही उसके मैंने लिया है हंग कर्ड, यानी कि मैंने 200 ग्राम दही को एक कपड़े में बांधकर अच्छे से लटका दिया 3 से 4 घंटे के लिए ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए। और देखिए ये कैसा चीज की तरह हो गया है, बिल्कुल पनीर लग रहा है, बट ये हंग कर्ड है। हम इसको अपने चिकन सैंडविच में यूज करेंगे। और इसके साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा ट्रफल मेयो और थोड़ा सा केचप भी लूंगा मैं और कुछ चीज स्लाइसेस। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम चिकन को बॉयल करेंगे। अच्छे से हमको चिकन को बॉयल करना है ताकि वो अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम चिकन को श्रेड करके बाकी चीजें उसमें मिला के अपने सैंडविच का बेस तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने चिकन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, चिकन के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप पानी ले लिया है। इसको मैं अच्छे से गर्म करूंगा और साथ ही इस पानी में मैं एक तेज पत्ता, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कलियां लहसुन की और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगा और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ताकि जब इसमें मैं चिकन बॉईल करूं तो थोड़े से फ्लेवर्स चिकन में अच्छे से चले जाएं। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। अब मैं इसमें अपने चिकन को डाल दूंगा। व्यूअर्स, हमें चिकन को पूरा इसमें सबमर्ज करके रखना है ताकि अच्छे से चिकन अंदर तक बिल्कुल पक जाए। इसमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये चिकन अच्छे से पका है या नहीं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप और टाइम इसमें ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये चिकन अंदर तक पूरा पक गया हो। अब थोड़ा सा इसमें बॉयल आने तक मैं इसको ऐसे ही खोलकर पकाऊंगा। उसके बाद फ्लेम को सिम कर इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे या जब तक चिकन बिल्कुल अंदर तक पक नहीं जाता। देखिए, हमारे पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैं फ्लेम को सिम कर इसको ढककर तब तक पकने के लिए छोड़ दूंगा जब तक चिकन पूरी तरह से अंदर से पक ना जाए। चलिए हम इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम को धीरे कर देते हैं और फिर हम 5 से 7 मिनट बाद इसको चेक करेंगे ये कितना पका है। देखिए, हमारा चिकन 15 मिनट तक अच्छे से पक चुका है और मैंने इसको चेक भी कर लिया है, ये बिल्कुल अंदर तक पक चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को एक बड़े बोल में ट्रांसफर करके श्रेड करेंगे अपने सैंडविच के लिए। तो चलिए अब चिकन को हम बाहर निकालते हैं। देखिए व्यूअर्स, चिकन को हमने एक बड़े बोल में निकाल लिया है। अब मैं 2 फोर्क लेके इसको अच्छे से श्रेड कर लूंगा। आप नाइफ भी यूज कर सकते हैं, फोर्क से ये जल्दी हो जाएगा। आप इसको फंसा के देखिए, इसको जल्दी जल्दी आप गरम गरम श्रेड कर लीजिए। देखिए ये कितनी इजीली श्रेड हो जा रहा है। देखिए, हमने अपने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाना स्टार्ट करेंगे।
तो इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और वर्केबल हो जाए। देखिए हमारा चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें अपनी सीजनिंग्स मिलाएंगे। सबसे पहले इसमें आएगा स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगा करीब 1/4 टीस्पून चिली पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं, चिली पाउडर ऑप्शनल है। फिर मैं डालूंगा थोड़ा सा पेपर पाउडर, फिर उसके बाद आएगा हमारा बारीक कटा हुआ प्याज, और शिमला मिर्च, और साथ ही इसके अब मैं इसमें डालूंगा अपना हंग कर्ड और करीब 2-3 टीस्पून ट्रफल मेयो। आप कोई भी मेयो इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ये अच्छे से चिकन को और प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से बाइंड करेगा, और साथ ही इसके करीब 1 टीस्पून टोमेटो केचप और थोड़ा सा चिली सॉस। जैसा कि मैंने बताया आप ये चिली सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो मत डालें। अब हम इन सबको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। देखिए देखिए हमने अपने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन में और ये बन के बिल्कुल तैयार है। मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलिए हम इसको अपने ब्रेड पर स्प्रेड करते हैं। हमें अच्छे से ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड करना है ताकि बढ़िया टेस्ट आए और चिकन भी भरपूर आए। अब हम इसके ऊपर एक चीज स्लाइस लगा देंगे। अब ये ग्रिल होने के लिए तैयार है। देखिए मैंने सारे सैंडविचेस में स्प्रेड लगाकर अच्छे से तैयार कर लिया है और हमने अपना ग्रिलर भी गर्म कर लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर लगा दिया है। अब हम अपने सैंडविच को इसमें ग्रिल करेंगे। अच्छे से दोनों साइड हमें ग्रिल करना है जब तक इसमें ऊपर बढ़िया एक क्रिस्पी लेयर ना फॉर्म हो जाए। देखिए व्यूवर्स हमारा चिकन सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे बच्चों की फेवरेट थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज और सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ चटनी, केचप कुछ भी खा सकते हैं और साथ ही में इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको पसंद हो आप इसके साथ ज़रूर कंबाइन कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आप प्लीज़ इसे बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई रेसिपीज लाता रहूं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर सच रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच।